पाकिस्तान जल्द कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लेगा। चीनी सफीर पुरुमीद कहा, चीन मदद के लिए तिब्बी सामान और कई डॉक्टर्स की टीमें पाकिस्तान भेज चुका है। चीनी सफीर याओ यिंग ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कोरोना की वबा आरजी चैलेंज है जिस पर पाकिस्तान जल्द काबू पा लेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में वायरस से शराय अमवात कम है। पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। We have full confidence and all trust that under the leadership of Prime Minister Imran Khan and your government, Pakistan will finally come out of this challenge. चीनी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान में वायरस से मुतासरा अक्सर मरीज जवान हैं और उनमें भी वायरस की अलामत हल्की हैं, इसलिए उनका इलाज आसान है। उन्होंने कहा है कि रिवायती चीनी तिब की तरह पाकिस्तान में भी जड़ी बूटियों से कोरोना वायरस की रोकथाम में मदद मिलेगी। The Chinese government sent a medical expert team who were in Pakistan for about 3 weeks. चीनी सफीर ने मजीद कहा है कि जब चीन को कोरोना वायरस के सख्त चैलेंज का सामना था तो पाकिस्तान ने चीन की मदद के लिए सबसे बेहतर काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी में पाकिस्तान में पहली मरतबा कोरोना के तस्दीकशुदा केस की तलाश मिली तो चीनी हुकूमत, मकामी हुकूमतों और कारोबारी इदारों और सिविल सोसाइटियों ने भी पाकिस्तान को मदद फराहम करना शुरू कर दी। चीन पाकिस्तान की मदद के लिए तिब्बी सामान और कई तिब्बी टीमें पाकिस्तान भेज चुका है। $4 million in cash to build a quarantine or isolation hospital in Islamabad and emerge much stronger than before. And during this process, China, as always, will be a reliable partner.